भैरवगढ़ जेल से हो रहा था साइबर क्राइम। अपराधियों को सुधारने वाले अफसर ही अंजाम दे रहे थे अपराध को। सबसे सुरक्षित कही जाने वाली सेंट्रल जेल में ही लगाई सेंध। अफसर और अपराधियों के मक्कड़ जाल ने बुनी नई कहानी। क्या जेल की कोठरी में कैद होंगे अपराध को अंजाम देने वाले अफसर? राज्य साइबर सेल जुटा रहा पुख्ता सबूत। आखिर जेल की चार दीवारी के भीतर कैसे चल रहे थे मोबाइल इंटरनेट? कौन है इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार? देखिए एडिटर सिमरन तिरवार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, भैरवगढ़ जेल में साइबर क्राइम। अभी हम मौजूद हैं उज्जैन मध्य प्रदेश की सेंट्रल जेल भैरवगढ़ के सामने। ये जेल पूरे देश भर में पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है, और सुर्खियों में बने रहने की वजह यहाँ के दो अधिकारियों द्वारा यहाँ पे बंद एक प्रोफेशनल हैकर से करोड़ों रुपए की लेन देन करने का मामला। यहाँ के जेलर संतोष लड़िया और डिप्टी जेलर सुरेश कुमार गोयल ने यहाँ पर बंद हैकर अमर अग्रवाल से देश विदेश में इंटरनेशनल लेवल के क्रेडिट कार्ड्स को हैक करवाकर करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में डलवाए। फिलहाल ये हैकर भोपाल जेल में बंद है और SIT की टीम इससे लगातार पूछताछ कर रही है। SIT की टीम उज्जैन जेल में भी लगातार तहकीकात कर रही है। अभी जिस समय हम ये बात कर रहे हैं, इस समय DIG जेल संजय पांडे अंदर निरीक्षण के लिए मौजूद हैं और तहकीकात कर रहे हैं। उज्जैन की सेंट्रल जेल भारत की पहली जेल बन गई है जहां एक अपराधी अफसरों के साथ मिलकर बड़े आराम से साइबर अपराध को अंजाम दे रहा था। अपराधी को सुधारने वाले अफसर क्राइम के लिए अपराधी को हर वह सुविधा मुहैया करा रहे थे जो साइबर क्राइम के लिए जरूरी थी। राज्य साइबर सेल द्वारा की जा रही जांच में हो रहे नए नए खुलासे चीख चीख कर कह रहे हैं कि अफसर और अपराधियों का गठजोड़ किस तरह समाज को तबाह करने में लगा हुआ है। खुद अमर अग्रवाल ने वीडियो कॉलिंग के जरिए अभय न्यूज को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने एक एक बात का खुलासा किया। उसके बाद उसे भोपाल ट्रांसफर कर दिया गया। तो और उसके बाद आपने से ये होटल बुकिंग का जो सिलसिला है ये जारी रहा, मतलब कई होटलों के बुकिंग कराए, कभी फ्लाइट के बुकिंग किए, क्या किए, इतने सारे कि जब वो मेरे अकाउंट की स्टेटमेंट निकलेंगे तभी वो पूरा निकलेगा, मतलब क्योंकि ईमेल आईडी इन्होंने हमेशा इनके डाले थे। और मेरे से जेल में रहते हुए वेबसाइट बनवाए, आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं santoshladhiya.com, अभी चेक कर लो आप आपके मोबाइल में। aradhyaladhiya.com नाम से वेबसाइट बनवाई, मेरे से mycard.com, टोटल 3 वेबसाइट बनाई अंदर। नहीं, ये HTML पे बनी है छोटी, मतलब हाँ ब्लॉगिंग है, माइक्रो ब्लॉगिंग, मतलब ब्लॉगिंग साइट है। हाँ, और YouTube चैनल बनवाया, उसको प्रमोट करवाया मेरे से, और उसके लिए जो भी पेमेंट लगा सब मेरे खाते से इस्तेमाल किया गया। मेरा नाम अमर आनंद, मैं पुणे महाराष्ट्र। उसकी डिटेल्स देखिए, दोबारा दिखा देता हूँ आपको, एक एक पढ़ लीजिए। और आज तक यहाँ ना तो मेरा कोई पेरोल हुआ नहीं, मैं जेल के बाहर करो मेरे यहाँ पेमेंट मतलब करने का मेरे पास तो कोई जरिया नहीं है, इन्होंने जो भी करवाया सब इन्होंने करवाया था। अभी बीच में टीवी पे वो कोई झारखंड वाली ठगी जो पकड़ी गई थी, साइबर ठगों की टोली, इन्होंने मुझे पूछा, बोले ये डार्क वेब क्या होता है? तो मैंने इनको बोला कि डार्क वेब पे भाई क्या रहता है कि वहाँ पे सब इलीगल चीजें बिकती है, मतलब वहाँ लोगों का डेटा बेचा जाता है, वहाँ पे इलीगल वेपन्स बेचे जाते हैं, मतलब सब इलीगल चीजें होती है। दरअसल अपराध की इन कड़ियों के खुलने की शुरुआत 26 अक्टूबर से उस वक्त हुई जब उज्जैन से भोपाल जेल ट्रांसफर किए कैदी अमर अनंत अग्रवाल ने 8 पेज की चिट्ठी जिला अधिकारी के नाम लिख डाली। इस चिट्ठी ने सेंट्रल जेल भैरवगढ़ में चल रहे अफसरों और अपराधियों के गठजोड़ से पर्दा उठा दिया। आइए अब आपको अमर अग्रवाल की वह चिट्ठी दिखाते हैं। ये चिट्ठी सिर्फ अभय न्यूज के पास है जिसमें अमर ने आरोप लगाया है कि सहायक अधीक्षक सुरेश गोयल जेलर संतोष लड़िया दबाव बनाकर उससे जेल में साइबर अपराध करा रहे थे। दरअसल IT एक्सपर्ट और प्रोफेशनल हैकर अमर अनंत अग्रवाल 3 साल पहले सेंट्रल जेल में लाया गया था। इसी बीच अपराधी मानसिकता के जेलर संतोष लड़िया ने उसे ये झांसा दिया कि अगर वह हैकिंग के जरिए रकम की व्यवस्था कर देता है तो वह उसकी जमानत करा देगा। अमर अग्रवाल शातिर लड़िया के जाल में फंस गया। उसके जरिए लड़िया ने करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन जब संतोष लड़िया ने अमर अग्रवाल की कोई मदद नहीं की तो वह बगावत पर उतर आया। इधर एक महिला द्वारा लड़िया पर लगाए गए गंभीर आरोप के बाद उसे भोपाल ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन वह कुछ दिनों बाद जोड़ तोड़ कर फिर उज्जैन आ गया।
इससे इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जेलर संतोष लड़िया की पहुंच कितनी होगी। साइबर सेल द्वारा अमर अग्रवाल से भोपाल जेल की गई पूछताछ में अमर अग्रवाल ने बताया है कि जेलर लड़िया और सहायक अधीक्षक गोयल ने उसे अपना हथियार बना लिया था। दोनों ने जेल में लैपटॉप और इंटरनेट मुहैया कराया और अमर अनंत अग्रवाल को हैकिंग के काम पर लगा दिया। डार्क वेब से खरीदे क्रेडिट कार्ड नंबर के जरिए अमर ने लोगों के खाते में सेंधमारी शुरू की। उसने दुनिया जहान के खातों से करोड़ों रुपए उड़ाए और ये राशि सुरेश गोयल और संतोष लड़िया को सौंप दी। इस राशि के बल पर अफसरों ने संपत्ति बनाना शुरू की और प्रॉपर्टी खरीद डाली। लेकिन अमर अनंत अग्रवाल के जेल ट्रांसफर ने जेल के भीतर चल रहे गोरख धंधे को उजागर कर दिया। राज्य साइबर सेल के अफसर खुद भौचक है कि आखिर 3 साल तक सेंट्रल जेल के भीतर अफसरों की सरपरस्ती में साइबर अपराध को अंजाम दिया जाता रहा और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। कहने को भैरवगढ़ जेल को सेंट्रल का दर्जा हासिल है, बड़े अफसर भी यहाँ बैठते हैं, लेकिन किसी को भी जेल से ही हो रही सेंधमारी की खबर नहीं लगी। राज्य साइबर सेल की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, साइबर क्राइम की परत दर परत खुलती जा रही है। ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। पहला सवाल तो यही है कि जेल के भीतर मोबाइल और लैपटॉप का प्रयोग वर्जित है, तो अमर अनंत अग्रवाल कैसे इन गैजेट्स का उपयोग कर रहा था? जेल के भीतर ये गैजेट्स अमर अनंत अग्रवाल को किसने उपलब्ध कराए? जब जेल प्रशासन ये जानता था कि अमर अनंत अग्रवाल प्रोफेशनल हैकर है, तो उस तक ये गैजेट्स कैसे और किसने पहुंचाए? सेंट्रल जेल में सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था होने के बावजूद गैजेट्स का अंदर जाना पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है। बहरहाल राज्य साइबर सेल सिस्टम को खंगालने में लगा है। उम्मीद की जा रही है कि जांच पूरी होने पर जेल के भीतर चल रही अवैध गतिविधियों की चौंकाने वाली जानकारी जांच रिपोर्ट आने के बाद सामने आएगी और जेलर संतोष कुमार लड़िया इसी जेल में सजा काटता दिखाई देगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस जेल में संतोष लड़िया रुआब झाड़ता फिरता था, वहाँ पर वो कब कैदी के रूप में बंद होकर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट शकील खान के साथ अभी न्यूज के लिए सिमरन तिरवार की रिपोर्ट।